इन मुश्किल ज़िगज़ैग सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमें एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना है। अगर यहां से कोई गिर गया तो आप नीचे देख सकते हैं कि खाई है। तो मैं हूं मसूरी की हाईएस्ट पीक पर। दोस्तों आज मैं जा रही हूं मसूरी के हाईएस्ट माउंटेन पीक पर, तो बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और स्वागत है आपका आपके चैनल टंकी फुल में, मेरा भारत मेरी नजर से। जॉर्ज एवरेस्ट पीक, ये है मसूरी का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक। यहाँ पहुँचने का एक्सपीरियंस ऐसा है मानो माउंट एवरेस्ट फतह किए हो। कुछ फीलिंग होती है ना जो बयान नहीं की जा सकती, कुछ ऐसी फीलिंग थी इस चोटी पर पहुँचने के बाद। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं इस जॉर्ज एवरेस्ट पीक के बारे में, आखिर कैसे पहुँचे यहाँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के उन डेस्टिनेशन में से है जहां कम लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि मसूरी की माल रोड ने सारे टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। लेकिन उस सेंटर पॉइंट के बियॉन्ड जो मसूरी है उसकी तो बात ही कुछ और है। और मसूरी पहुंचने से पहले के ये नज़ारे, क्या बात है। देहरादून से मसूरी के लिए जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो रास्ते में शुरुआत से ही आपको मिलेंगी खूबसूरत वादियाँ। और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे हैं मसूरी में, तो हम और भी देखेंगे, आइए चलते हैं। जब आप देहरादून से मसूरी का सफर करते हैं तो रास्ते में आपको जो व्यू दिखते हैं अल्टीमेट है। जॉर्ज एवरेस्ट देहरादून से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट आ रहे हैं तो आपको मसूरी मेन टाउन तक जाने की जरूरत नहीं है। मसूरी से लगभग 5 किलोमीटर पहले आपको एक डायवर्जन मिलेगा हाथी पांव के लिए, और अगर आप मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास हैं तो वहां से भी आपको एक रास्ता मिलेगा। हाथी पांव पहुंचने वाली हूं जो यहां से 2 किलोमीटर दूर रह गया है। हाथी पांव ही वो जगह है जहां पर जॉर्ज एवरेस्ट ने एक एस्टेट खरीदा था जिसका नाम था द पार, और वहां पर उन्होंने अपना ऑफिस और रेजिडेंस बनाया था। फाइनली मैं हाथी पांव पहुंची। हाथी पांव एक छोटा सा कस्बा है और यहां आपको कुछ फास्ट फूड की शॉप्स मिलेंगी या फिर छोटे रेस्टोरेंट्स। यहां से आपको 3 रास्ते मिलेंगे, पहला जॉर्ज एवरेस्ट के लिए, दूसरा क्लाउड एंड और ज्वाला देवी, और तीसरा मसूरी माल रोड के लिए। लेकिन हम चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। मैं हाथी पांव पहुंच चुकी हूं और यहां से जो नीचे की तरफ ये रास्ता जा रहा है, यहां से आप लगभग 1.5 किलोमीटर 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से जा सकते हैं, और वहां से पार्किंग के बाद आपको ट्रैक करना होगा। और यहां से भी जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे रही है, वो सबसे ऊंची वाली जो चोटी है वही जॉर्ज एवरेस्ट है और हमको वहीं जाना है। जिस तरह का रास्ता है ये, टूटा फूटा सा, थोड़ी मुश्किल हो रही है 2-व्हीलर से अगर आप हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी। आराम से और ध्यान से चलाइएगा। अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, वादियाँ, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, नेचुरल ब्यूटी। और हम बस पहुँचने ही वाले हैं, पार्किंग एरिया आ गया है शायद, और जल्दी ही ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। और ये हम आ गए जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पहुंचने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना है। अभी हम जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं ये एक टेम्परेरी पार्किंग है और हमसे यहाँ किसी ने पार्किंग चार्ज नहीं लिया। आप किसी भी सेफ जगह पर गाड़ी को पार्क करें और चलें अपनी मंजिल की ओर।
जॉर्ज एवरेस्ट की ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। रास्ता सीमेंटेड है लेकिन अभी इसे बंद कर रखा है, वो बैरियर लगा रखा है सामने और एंट्री बंद कर रखी है गाड़ियों की, तो इसलिए हमें पैदल ही ट्रैक करके जाना होगा। ये ट्रैक स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सीमेंटेड टाइल्स लगी हुई हैं और अच्छा चौड़ा रास्ता है। यहाँ टू व्हीलर और फोर व्हीलर आराम से आ सकते हैं, मगर इस वक्त गाड़ियों की नो एंट्री कर रखी है, लेकिन ट्रैक का भी अपना ही मजा है। ट्रैक करने के दो नियम हैं, या तो आप हार मान के थक हार कर उदास मन से ट्रैक करें, या फिर उस ट्रैक का पूरा मजा ले, नेचर को करीब से फील करें। रास्ते में लगे साइन बोर्ड आपको मोटिवेट तो करेंगे, अभी तक तो रास्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है, ट्रैकिंग ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है, आगे देखते हैं। ये रास्ता कुछ कुछ मुझे क्लाउड एंड की याद दिला रहा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी जरूर देखिएगा, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। ड्राइव स्लो प्लीज, यहाँ पर ड्राइव स्लो का बोर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन फिलहाल अभी पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद फाइनली हम पहुँचते हैं जॉर्ज एवरेस्ट के हाउस पर। अभी फिलहाल यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, पर जल्दी आपको यहाँ पर विजिटिंग चार्ज देना होगा। डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज हाउस और 3 बज चुके हैं, हमें भूख भी लग गई है। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ खाने के आउटलेट्स हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगी जॉर्ज हाउस और सर्वे पॉइंट, उसके बाद हम चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे जो यहाँ से काफ़ी हाइट पर है, तो पहले जल्दी से कुछ खा लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, मगर अगर आप कैफे का लुत्फ लेना चाहते हैं तो एक कैफे भी है जिसका नाम है द पार्क कैफे। वो है वो शॉप जहाँ पे हमने खाना खाया था, और इस तरफ आपको दिखाई देगा जॉर्ज हाउस। वो जो बिल्डिंग है वो है सर्वे पॉइंट, और मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं यही है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। देखने में तो इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही ज्यादा टफ लग रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सर्वे पॉइंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये इलाका पार्क एस्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसे सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1832 में खरीदा था, और यहीं पर है उनका हाउस और ऑफिस। अभी इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अभी ये जगह पूरी तरह से तैयार नहीं है। जॉर्ज हाउस को म्यूजियम बनाया जाएगा और उसकी लाइब्रेरी को भी ओपन किया जाएगा, और उम्मीद है कि ये सब जल्दी हो जाएगा। ये है जॉर्ज एवरेस्ट का सर्वे पॉइंट, क्योंकि वो एक ब्रिटिश सर्वेयर थे तो शायद वो यहीं से कुछ सर्वे करते थे। इस जगह के बारे में एक और बात हमें पता चली है कि हमारा जो इंडिया का नक्शा है वो इसी जगह पर बनाया गया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट एक ब्रिटिश सर्वेयर और जियोग्राफर थे। 1830 से 1843 तक वो सर्वे जनरल ऑफ इंडिया रहे, और 1843 में ही रिटायर होकर वो वापस इंग्लैंड चले गए थे। जैसा कि माउंट एवरेस्ट का नाम तो आप सब जानते ही होंगे, उसका नाम पहले पीक 15 था, लेकिन सर जॉर्ज एवरेस्ट को ऑनर देने के लिए बाद में उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। मेरे पीछे जो आप ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं यही जॉर्ज हाउस है, और इसके जस्ट बराबर में ये लाइब्रेरी है, और ये है इनका सर्वे पॉइंट। सर जॉर्ज एवरेस्ट का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए काबिले तारीफ था, और उनके उसी कंट्रीब्यूशन को ऑनर देने के लिए उत्तराखंड सरकार उनकी इस जगह को टूरिस्ट के लिए डेवलप कर रही है। तो चलिए अब चला जाए मसूरी के वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पर। इस ट्रैक को करने से पहले आप कुछ खाने पीने का सामान जैसे कि पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या चिप्स वगैरह साथ ले लें, क्योंकि इस पीक पर पहुंचकर सेलिब्रेशन तो बनता ही है, और हो सकता है कि आपको रास्ते में पानी की जरूरत पड़े। वो रहा जॉर्ज हाउस, और वहां से हमने जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए अपना ट्रैक शुरू कर दिया है, और ये ट्रैक वाकई में काफी कठिन है, और आधा हम चढ़ चुके हैं, और आप देखिए अभी तक हमें और ज्यादा कितना चढ़ना है। सीढ़ियां हैं इस पर, स्टेप चढ़ाई है, इन मुश्किल zigzag सीढ़ियों को चढ़ते हुए हमें एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना है, तो आइए चलते हैं।
ये रास्ता बहुत ही सकरा है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई गिर गया तो आप नीचे देख सकते हैं कि खाई है, तो सुरक्षा बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीढ़ियाँ देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रही थी, लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, मगर एक कोशिश तो बनती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से चढ़ते रहें। रास्ते की हालत देखिए, और वो ऊपर पहाड़ है जहाँ हमें जाना है। जॉर्ज एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा लग रहा था मानो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब तक मैं पीक पर पहुंचती हूँ तब तक आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर टंकी फुल का लोगो आ रहा है ना, उस पर हिट कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहाड़ों में मौसम की कुछ अलग ही बात होती है, बादलों ने सब कुछ ढक दिया है। देखिए बादल कैसे ऊपर आ रहे हैं, अब विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नज़ारा बेहद खूबसूरत है। तो मौसम अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और यहाँ से देखिए जॉर्ज हाउस का नज़ारा और उसके ऊपर उड़ते हुए बादल। अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं हम, वो रहा पीक। जैसे जैसे हम पीक के नज़दीक पहुंच रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल होता जा रहा था। इस वक्त तो बस ऐसा लग रहा था कि काश अपने इंडिया का फ्लैग होता जो हम उस चोटी पर जरूर लहराते। माउंट एवरेस्ट जैसी फीलिंग आ रही थी, सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे माउंट एवरेस्ट ही फतेह करने जा रहे हैं। Stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I. Flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you. दूर से दिखने वाले इस पहाड़ की चोटी सिर्फ हमने आधे घंटे में तय कर ली। ये आधा घंटा जॉर्ज हाउस से है। फाइनली हम पहुंचे जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर। तो मैं हूँ इस वक्त मसूरी की हाईएस्ट पीक पे जॉर्ज एवरेस्ट, और इस सनसेट के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।